टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। तो आज एक बड़ा दिन है, जहां गुरु नानक जयंती है, तो वहीं इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा दिया है किसानों को। तोहफा ये है कि सुबह 9 बजे अपने संबोधन के दौरान उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों को वापस करने की बात कही है। 3 नए कृषि कानून के लिए एक साल से ही लगातार आंदोलनरत थे किसान, और किसानों के इस आंदोलन को आज पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक ये संसद में वापस नहीं हो जाएंगे तब तक जो है प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसी के साथ ही विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सुनाते हैं ओपी राजभर और अभिषेक मिश्रा का बयान कि उनका क्या कहना है 3 नए कृषि कानूनों की वापसी पर। तीनों किसान कानून वापस लेने का फैसला एक किसान आंदोलन के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संघर्ष के लिए, समाजवादियों ने जो संघर्ष किया, हम लोगों ने लगातार जो आवाज उठाई, आज एक साल से जो लड़ाई जमीन पे चल रही थी, गांव गांव चल रही थी, घर घर चल रही थी, हर एक किसान के मन में चल रही थी, जो आंदोलन था, जो उद्वेलन था उसके मन का, जिस मजबूरी में उसको डाल दिया गया था, आज उसकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। एक अहंकारी सरकार का अहंकार टूटने का काम आज हुआ है। आज जो लोग साल भर से सड़क पे बैठे हुए थे, वो वापस अपने घर जा सकते हैं, अपने बीवी बच्चों में जा सकते हैं, अपने परिवारों में जा सकते हैं, उनके सुख दुख में शरीक हो सकते हैं। दोबारा से उस भूमि को, जिसको सरकार ने एक तरीका बना लिया था उस जमीन पे कब्जा करने का, किसान की जमीन को हड़पने का, किसान को जमीन से बेदखल करने का, किसान को जमीन से निकालने का, उसको पैदल कर देने का, आज उसकी हार हुई है। किसान की एक बड़ी जीत है, समाजवादी पार्टी की संघर्ष की बड़ी जीत है, और मुझे विश्वास है ये आने वाले वक्त में सारे प्रदेशों में और खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत का रास्ता मजबूत करेगा, नए दरवाजे खोलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। किसान के खिलाफ है, नौजवान के खिलाफ है, रोजगार के खिलाफ है, बच्चे बेटियों के खिलाफ है, किसानों के उद्वेलन का आज प्रतीक बन गई है ये सरकार। पूरी ताकत से सब लोग मिलकर के सरकार बदलने काम करेंगे, 2022 में नई जिम्मेदार सरकार उत्तर प्रदेश को। अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया था, किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। किसानों की जीत हुई, किसानों के आंदोलन के सामने किसानों ने अपने हक की लड़ाई, सही लड़ाई लड़ी है। इसकी वजह से आज 12 महीने से जो किसान आंदोलन किया अपने हक के लिए, उसकी जीत हुई है। और जो 3 कृषि कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, ये किसानों के अहित में था, किसानों का नुकसान था, इसको वापस लिए हैं। और बहुत तोप हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने वापस लिया, तो ये तो काले कानून प्रधानमंत्री ने बनाया ही था, तो इसको वापस लिया तो इसमें कौन बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है। ओपी राजभर ने कहा कि जो 3 नए कृषि कानून लाए थे, जो सरकार ने अगर इसे वापस लिए तो सरकार की क्या उपलब्धि है, क्योंकि ये तो किसानों के हित में ही नहीं था। तो वहीं अभिषेक मिश्रा जो कि सपा नेता है, उन्होंने कहा कि बड़ी जीत हुई है किसानों की, और सरकार का जो अहंकार था वो टूटा है और सपा की जीत हुई है। तो जो ये निर्णय सामने आया है, पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान जो बड़ा ऐलान किया है, तो सपा उसे अपनी बड़ी जीत बता रही है। लगातार कई विपक्षी दल अपना समर्थन दे रहे हैं, और अपने समर्थन के साथ ही वो सरकार पर भी बार बार ये कह रहे थे कि 3 नए कृषि कानून वापस लेने चाहिए, ये काले कानून है, किसानों के हित में नहीं है, इसे वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे थे। तो जब आज ये मांग पूरी हुई है तो काफी खुश नजर आ रहे विपक्ष की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है, इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। लेकिन ये भारत के किसान, में भारतीय किसान भानु का राज से जानता हूं कि किसान परेशान है,
किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्ज आ रहा है। इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद कि एक बार किसान नाराज था उसे भी उन्होंने संतुष्ट किया, जो सबका साथ सबका विकास का उद्देश्य उसे पूरा किया। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, कम से कम समय रहते जो हम बार बार, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी बैठक होती थी प्रत्येक बार जरूर उठाता रहा कि किसानों का जो एक बार नाराज है उस पर भी विचार होना चाहिए। नौजवान किसान जो देश के गरीब मजदूर हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है देश को कि जिस तरीके से किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने फैसले लिए और भी जो मुद्दे हैं ज्वलंत उस पर भी फैसले लेंगे, और 2022 की सरकार बनाने के लिए NDA के साथ 2022 में निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर जितना लक्ष्य निर्धारित किया अब उसे पूरा करने में बहुत आसानी है। किसानों के हित के लिए काम करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आज तीनों कृषि कानून वापस लेकर करोड़ों करोड़ किसान भाइयों को यह बता दिया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। विपक्ष ने नकारात्मक रोल अदा करते हुए कुछ किसान भाइयों को गुमराह कर दिया था। बहुत वार्ता हुई, बहुत चर्चाएं हुई, हमेशा प्रधानमंत्री ने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं किसान भाइयों के साथ, किसान संगठनों के साथ में चर्चाएं हुई, लेकिन विपक्ष लगातार कुछ किसान भाइयों को गुमराह करता रहा, कुछ संगठन उसमें उन्होंने अपने बनाकर खड़े किए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसान कल्याणकारी योजनाएं बनाई है देश के अंदर, किसानों की आमदनी दुगना करना, किसानों को सहायता राशि देना, उनको सम्मान निधि देना, उनकी बीमा योजनाओं को आगे बढ़ाना, ताकि किसी तरह से भी किसान भाई सुरक्षित हो, संपन्न हो, देश के करोड़ों करोड़ किसानों के लिए समर्पित सरकार आज एक निर्णय लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि किसान हमारा अन्नदाता है, हम उनके साथ में हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद साधुवाद करते हैं। तीनों काले कृषि कानून वापस लिया जाना सच्चाई की जीत है, अहंकार और अत्याचार की हार है। जिस तरह से एक वर्ष तक किसान आंदोलन पर गांधी मार्ग से डटा रहा, अत्याचार सहता रहा, शहादत देता रहा, पुलिस की लाठी और डंडे खाता रहा, एक वर्ष बाद सरकार तब जागी जब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने से मना कर दिया। सरकार तब जागी जब सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। आज जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस लेने जाने पर पूरे देश में खुशी का माहौल है, किसानों के लिए, देशवासियों के लिए दशहरे और दीपावली जैसा पर्व है, पूरा देश ये मानता है। सरकार कितनी भी अहंकारी हो, अगर हमारे देश का लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कभी सरकार कुचल नहीं सकती, अंग्रेज नहीं कुचल सके, हमारे देश का मजबूत लोकतंत्र और संविधान अहंकारी सरकारें भी नहीं डिगा सकती। आज देशवासियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसान आंदोलन के एक साल तक लंबा आंदोलन चला है, छोटा वक्त नहीं था, किसानों ने ये कठिन लड़ाई लड़ी है। कई ऐसे अराजक तत्व भी थे जो उनका आंदोलन को खराब करने के लिए सामने बीच में आ रहे थे और इसे बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे थे। सरकार और किसानों के बीच काफी दौर की बातचीत भी हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं अब जब ये जीत हुई है किसानों की, जब पीएम मोदी ने खुद ये बड़ा ऐलान कर दिया है, तो जश्न का माहौल तो है ही, लेकिन सभी पक्षों के कोई ना कोई बयान सामने आ रहे हैं, वो चाहे यूपी सरकार के मंत्री हो या फिर विपक्ष के मंत्री या फिर दिल्ली के मंत्री ही क्यों ना हो। वहीं आप सांसद संजय सिंह और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया है, सुनिए क्या कुछ कहा। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है, आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी और उनकी शहादत की बदौलत ये तीनों काला कानून मोदी की अहंकारी सरकार ने वापस लिया है। उन सभी शहीदों को नमन है, प्रणाम है,
उनको शहीद का दर्जा केंद्र सरकार को देना चाहिए, उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार के लोगों को 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए। शहीदों को नमन, किसानों को नमन, उनके आंदोलन को नमन। आंदोलन जीवी किसानों की ये जीत है, चुनाव जीवी मोदी की ये। तो जहां सभी विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो अखिलेश यादव कैसे पीछे रहते, उनका भी ट्वीट सामने आया है और उसपे उन्होंने निशाना साधा है भाजपा सरकार पर। मोदी ने ऐलान किया है कि किसानों के आगे झुक गई है सरकार। अब अखिलेश का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के आगे सरकार झुक गई है, वापस लिए गए हैं तीनों नए कृषि कानून। कृषि कानून पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है। अमीरों के भाजपा ने ये ट्वीट सामने आ रहा है, भूमि अधिग्रहण और काले कानूनों को गरीबों, ये बड़ी खबर सामने आई जो अखिलेश ने बड़ा निशाना साधा है बीजेपी पर और ट्वीट करके निशाना साधा किया है, बधाई दी है किसानों को। कृषि कानून पर अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आया है जहां सभी विपक्षी दल निशाना साध रहे सरकार पर और किसानों को बधाई दे रहे, वही अखिलेश का भी ट्वीट सामने आया। उसमें उन्होंने लिखा है कि अमीरों के भाजपा ने भूमि अधिग्रहण और काले कानूनों से गरीबों और किसानों को ठगना चाहा, कील लगाई, बाल खींचने और कार्टून बनवाए, जीप चढ़ाई, लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डर कर काले कानून वापस ले लिए गए हैं। भाजपा बताए सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी। तो एक बड़ा सवाल भी किया है कि जो सैकड़ों किसानों की मौत हुई थी उसमें सजा कब मिलेगी उन लोगों को, कौन दोषी है, जो दोषी उसको कब सजा मिलेगी। तो ये ट्वीट के माध्यम से सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि पीएम मोदी ने खुद जनता के बीच आकर तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिया है और तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब हर विपक्षी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां बीजेपी का कहना है कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ ही और किसानों के हित में ही सरकार काम कर रही है। तो वहीं विपक्ष की सभी पार्टियां बीजेपी पर तंज कस रही है, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या फिर खुद किसान नेता भी क्यों ना हो। किसान नेता का कहना है कि जब तक संसद में इसे खारिज नहीं किया जाता, वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ चुनावी वादे हों और बाद में इसे लागू कर दिया जाए। वहीं सरकार का कहना है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों के भले में जो होगा, जो किसान चाहेंगे वही होगा। तो पूरी तरह से राजनीति गर्मा चुकी है क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, एक साल का संघर्ष है किसानों का, जिसका जो परिणाम सामने आया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।